नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि जमाबंदी का इतिहास कैसे जानेंगे। मतलब कि मान लीजिए वर्तमान समय में हमारे पास कोई ज़मीन है, उसका जमाबंदी कायम है, तो हमने जिनसे ज़मीन खरीदा उनका क्या जमाबंदी था, फिर उन्होंने जिनसे खरीदा था उनका क्या जमाबंदी था। तो इस प्रकार से जमाबंदी का इतिहास हम कैसे जानेंगे, तो दोस्तों इसकी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। और जानकारी प्राप्त करने से पहले, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, जमाबंदी के ऊपर कई वीडियो जो है मैं बना चुका हूँ। जमाबंदी क्या है उसे आप लोग समझ भी चुके हैं। अब बात आती है कि जमाबंदी मान लीजिए मेरे नाम से है, उनके बाद जो है हम जिनसे खरीदे उनके नाम से, तो इनका पूरा एक स्टेप बाय स्टेप पहले से जो चलते आ रहा वो अब तक हम कैसे जान सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सर्वप्रथम ये बात मैं बता दूं कि कागजात जो होता था पहले वो सब काम ऑफलाइन होता था, कागजात के द्वारा होता था, ऑफिस में रखा जाता था। लेकिन अभी वर्तमान समय में बहुत सारे काम काज जो है, जो भी प्रक्रियाएँ हैं, वो ऑनलाइन कर दिया गया है। ठीक है, तो अब बात आती है कि उतने पुराने कागजात जो दाखिल खारिज होता है, दाखिल खारिज होने के बाद जमाबंदी कायम होता है, ठीक है, तो वो जमाबंदी नंबर मिल पाएगा या ना मिल पाएगा ये डिपेंड करता है समय के अंतराल पर, कि कितना समय पहले तक हम वापस बैक में जा सकते हैं। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। और आप राजस्व कर्मचारी जो आपके मौजा के होंगे, आप जिस मौजा की बात करना चाहते हैं, जिस मौजा में जमाबंदी की खोज करना चाहते हैं, वहाँ के राजस्व कर्मचारी से आप मिलेंगे, तो वहाँ से अगर कागजात उपलब्ध होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिल सकता है, क्योंकि उस समय से जो काम होते आ रहे थे वो ऑफलाइन होता आ रहा, इसलिए मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है उसकी जानकारी। लेकिन अभी से जो है वर्तमान समय से ऑनलाइन की प्रक्रिया आ गई है, तो आगे भविष्य में इसका मिल सकता है, लेकिन बैक का मिलेगा या नहीं मिलेगा समय के अंतराल पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, थैंक्स।